नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे आरती सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड की। तो यहाँ पे कंपनी ने क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, तो चलिए डिटेल में कवर करते हैं। हमारे पास कंपनी के जो ऑल ओवर रिजल्ट्स है वो कैसे रहे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ। तो 13,900 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 14,000 लाख का था, लास्ट ईयर था 11,000 लाख। तो हमारे पास कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली वाइज कम हुआ, ईयरली बेसिस यहाँ पे हमें इंक्रीज देखने को मिला है। उसके बाद बात करें यहाँ पे टोटल इनकम की, तो 13,900 लाख की टोटल इनकम है, जो कि लास्ट क्वार्टर 14,900 लाख की थी लास्ट की। तो हमारे पास कंपनी की टोटल इनकम भी क्वार्टरली वाइज कम हुई है, ईयरली बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला। बात करें टोटल एक्सपेंसेस की, तो 13,800 लाख एक्सपेंस है, जो कि लास्ट क्वार्टर से कम हुए हैं, लास्ट ईयर से हमारे पास इंक्रीज हुए हैं। देन बात करें यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 128 लाख का प्रॉफिट है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 570 लाख का था, लास्ट ईयर था 584 लाख। तो हमारे पास कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, क्वार्टरली बेसिस पे भी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट की, मतलब सभी टैक्स निकाल के जो मेन हमारे पास प्रॉफिट कंपनी का है वो 83 करोड़ का, जो कि लास्ट क्वार्टर में 451 करोड़ लाख था, लास्ट ईयर था 659 लाख। तो हमारे पास कंपनी के नेट प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली है। उसके बाद बात करें यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की, तो 1 रुपीज़ एंड 10 पैसे, जो कि पहले 8 रुपीज़ थी, उससे पहले 5 रुपीज़ थी। तो हमारे पास कंपनी की अर्निंग पर शेयर में भी गिरावट देखने को मिली है। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कंसोलिडेटेड के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी लगभग सेम है। यहाँ पे भी कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली वाइज कम हुआ, ईयरली बेसिस पे इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे भी कंपनी की टोटल इनकम क्वार्टरली वाइज कम हुई है, ईयरली बेसिस पे इंक्रीज़ हुई है। बात करूँ यहाँ पे सीधा डायरेक्ट कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पे भी सेम 83 करोड़ लाख का ही प्रॉफिट है, मतलब कंपनी के स्टैंड लोन साथ साथ कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स एकदम से सेम है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिली है, तो आपको आने वाले टाइम में भी स्टॉक में भी गिरावट देखने को डेफिनेटली मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों आपको रिजल्ट्स कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।